दिल्ली के अंदर कोई भूखा नाश होए इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस गुरुद्वारा बंगला साहब से निरंतर मानवता की सेवा में है। क्योंकि अब लॉकडाउन हो चुका है, लोग जल्दी से पलायन करना शुरू हो गए। दिल्ली से कल कैसे आपने देखा किस तरह से बस अड्डों में लाइनें लगी, क्योंकि लोगों को खाने की चिंता है, भूख की चिंता है। और हमारी भी ये चिंता है कि दिल्ली में भूखा नाश होए, इसके लिए इस मानवता की सेवा में निरंतर बंगला साहब से सेवाएं जारी है। जो आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर हॉल है और अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से ये खाना बनाया जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पे सेवा में हैं ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है ताकि दिल्ली में कोई भी परिवार भूखा ना सोए। हजारों लोगों के लिए खाना बनकर पैक भी हो रहा है। जो कोविड पेशेंट हैं जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, ये खोलो, वो सारे के सारों के लिए यहाँ से पैकिंग हो रही है। ये पैकिंग का स्टफ है। जिनके घर पर कोई खाना पहुँचाने वाला नहीं है उनके लिए ये पैक होकर खाना जा रहा है। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये वो किचन है जहाँ पे मोस्ट हाइजीनिक फूड जो है, हाथों की सेवा करने वाली भी हमारी माताएं बहनें आप देखें निरंतर सेवा कर रही हैं। ये सारी ऑटोमेटिक मशीनों में खाना बन रहा है। ये सारी की सारी ये मानवता की सेवा के अंदर हमेशा ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी डटी रही है और इसी तरह ही ये डटी रहेगी। अभी देखेंगे सारी के सारे, ये सारी के सारी मशीनों में इसी तरह से ये सारे, ये हमारी चपाती की ऑटोमेटिक मशीन है, इस तरह आटा गूंदने को लेकर भी सारा हाइजीनिक है। इसमें टोटल ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आटा गूंदा जाता है। कोई आपकी जानकारी में भी ऐसा परिवार हो जो आप ये लगे कि उसको खाने की ज़रूरत है, उसके घर तक नहीं पहुंच रहा, कृपया हमारी जानकारी में डालें, हम उन तक भी खाना पहुंचाएंगे बंगला साहब के लंगर के माध्यम से। हमारी कोशिश है चाहे लाख लोगों को जाए चाहे 2 लाख लोगों को जाए, ये निरंतर सेवा इसी तरह चलती रहेगी। मेरा आपसे आग्रह है आपकी जानकारी में कोई भी आए, देखिए सारे का सारा इंतज़ाम, ये सारे पैक हो रहे हैं फूड, उन लोगों के लिए पैकिंग है जो कोविड के दौरान जिनके घर पे कोई नहीं है कि उनके लिए पैक होकर खाना जा रहा है। आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच पाए। किसी को भी इसकी ज़रूरत हो वो हमसे संपर्क करें, हमारे नंबरों पे संपर्क करें, तुरंत उनके पास भी 2 वक्त का खाना बनाकर भेजा जाएगा। आपके इलाके में कोई क्लस्टर हो, कोई झुग्गी हो, इनको ज़रूरत हो उनकी भी हमें जानकारी दें। हमारी कोशिश है जैसे मैंने पहले कहा दिल्ली का कोई भी परिवार भूखा ना सोए इसकी हम चिंता करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए और जरूरतमंद लोगों की हम जरूरत पूरी कर पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए। और ये सारे लंगर आप परिवार के, आप जैसे लोगों के परिवार के कारण ही चलते हैं। ये मानवता की सेवा निरंतर चलती रहे इसकी हमारी कोशिश रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।